हाय व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बेटे इजहान मिर्जा मलिक की नेशनलिटी पाकिस्तानी होगी या इंडियन? सानिया शोएब के लाखों फैंस इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, एंड लेट्स फाइंड इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इजहान के पेरेंट्स यानी सानिया और शोएब क्या चाहते हैं कि इनका बेटा इंडियन हो या पाकिस्तानी। सानिया मिर्जा अपने मुल्क की बहुत बड़ी स्पोर्ट्स स्टार हैं, एंड शी इज द बेस्ट टेनिस प्लेयर ऑफ इंडिया, इसीलिए वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। दूसरी तरफ शोएब मलिक भी अपने कंट्री पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ही इज ऑल्सो सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान। तो इसी वजह से सानिया और शोएब के बेटे इजहान मिर्जा मलिक की नेशनैलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि वो पाकिस्तानी होगा या इंडियन। सानिया के फैंस और इंडियंस तो यही चाहते हैं कि इजहान की नेशनैलिटी इंडियन हो, जबकि दूसरी तरफ शोएब के फैंस और पाकिस्तानी यही चाहते हैं कि इजहान की नेशनैलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए क्योंकि इनके फादर पाकिस्तानी हैं। जैसे कि एक्स पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वसीम अकरम की वाइफ भी पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन इनकी बेटी आयला अकरम की नेशनैलिटी पाकिस्तानी ही है। लेकिन शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के केस में ऐसा नहीं है। इसकी वजह इंडिया और पाकिस्तान के आपस के कॉन्ट्रोवर्शियल रिलेशन है। जब शोएब मलिक और सानिया मिर्जा ने शादी का ऐलान किया था, तो उस वक्त भी कुछ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज ने सानिया मिर्जा के पाकिस्तानी से शादी करने पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी। और जब शोएब सानिया से शादी के लिए इंडिया गए थे, तो इन्हें कई बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था क्योंकि इनका पासपोर्ट पुलिस ने अपने पास रख लिया था। अगर अब सानिया मिर्जा, जो इस वक्त इंडिया को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करती है, इनका बेटा भी पाकिस्तानी होगा, तो सानिया मिर्जा के लिए एक नई कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी कर दी जाएगी। और इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने के बावजूद भी सानिया की नेशनैलिटी पर क्वेश्चन रेज किए जाएंगे, और उनसे ये कहा जाएगा कि वो रिप्रेजेंट तो इंडिया को करती हैं, लेकिन इनका बेटा पाकिस्तानी क्यों है। दूसरी तरफ अगर इजहान की नेशनैलिटी इंडियन होगी, तो ये शोएब मलिक के साथ अनफेयर होगा क्योंकि असूलन तो उनके बेटे को पाकिस्तानी ही होना चाहिए। लेकिन शोएब और सानिया ने इस तमाम कंट्रोवर्सी से बचने के लिए इजहान की पैदाइश से पहले ही इनकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी या इंडियन या इन दोनों में से कोई भी न रखने का डिसाइड कर लिया था। शोएब मलिक ने इजहान की पैदाइश से चंद माह पहले पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि इनका बेटा ना तो पाकिस्तानी होगा और ना ही इंडियन, बल्कि किसी थर्ड कंट्री से इनकी नेशनैलिटी होगी। उसकी नेशनैलिटी जो है वो किसी थर्ड कंट्री की होगी, ना इंडिया की होगी ना पाकिस्तान की होगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो कंट्री यूएई ही होगा क्योंकि सानिया और शोएब का घर दुबई में है और इनके पास दुबई का 10 साल का गोल्डन वीजा भी है। प्लीज गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन कि आपके ख्याल में इजहान की नेशनैलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए या इंडियन या इन दोनों में से कोई भी नहीं।